हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएएस गेट पॉइंट गोरखपुर। आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स हो और हमें क्या करना हो, हमें उसका इनवर्स निकालना हो, तो शॉर्टकट टेक्निक्स क्या होती हैं उसके लिए, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डालिए सर, तो हेडिंग डालिए शॉर्टकट। सर ये जो शॉर्टकट मैं करवाने जा रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। ये सिर्फ एप्लीकेबल है इसके लिए 2x2 मैट्रिक्स। इसको 3x3 मैट्रिक्स में मत लगा देना, ठीक है। और इनवर्स आपको पता है किसका निकलता है, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग इनवर्स इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। सिर्फ इसको किसके लिए यूज करना है, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स के लिए यूज करना है, ठीक है। तो अगर आपको, मैं स्टार्ट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे दे ए, लेट मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये शॉर्टकट किसके लिए एप्लीकेबल है, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग इनवर्स, इनवर्स किसके लिए है, ओनली इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। 3x3 में लगा दोगे तो सर रिजल्ट गड़बड़ आएगा, तो हमें उसमें नहीं लगाना है। तो क्या करें सर, जब भी इनवर्स निकालना हो तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब भी इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। यहां से ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, सर डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट होगा ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी, ठीक है, सी इंटू बी, ठीक है। ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया, इसको मैं डेल्टा से डिनोट करता हूं, कुछ डेल्टा आएगा आफ्टर कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये डिटर्मिनेंट कुछ डेल्टा, तो ए इनवर्स क्या होता है कि निकालना कैसे ये देखते हैं। कहता है जो भी ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, डी को ए के प्लेस पे लेके जाओ और ए को डी के प्लेस पे लेके जाओ, तो डी और ए इंटरचेंज हो गया आपस में, हो गया, ठीक है। अब कहता सर जो बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, यानी कि बी बचा है और सी बचा है, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज लिख लो, बी और सी, ठीक है। जब इनको लिख लिया तो अब क्या करो, एज इट इज लिख लिया, उसके बाद इसके साथ माइनस साइन लगा दो। सर लगा दिया माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन लगा दिया इसके साथ, ठीक है। अब क्या करना है, कहता है कि अब जितने भी इसके एलिमेंट है उसको इसे डेल्टा से डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट से जितने भी इसके एलिमेंट है, यानी डिवाइड बाय डेल्टा, डिवाइड बाय डेल्टा, डिवाइड बाय डेल्टा, डिवाइड बाय डेल्टा। ये तीन स्टेप आपने किए। स्टेप वन क्या किया, स्टेप वन आपने किया ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज किए, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या किया कि जो भी बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज रखा और उनके साथ क्या अटैच कर दिया आपने, माइनस साइन। थर्ड स्टेप आपने क्या किया कि हर एक एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा से। आपको पता है कि जब भी कभी अगर किसी चीज को कॉमन लेते हो तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, कॉमन लोगे तो वो हर एक एलिमेंट से बाहर जाएगा, यहां से 1/डेल्टा गया, यहां से 1/डेल्टा गया, इससे गया, इससे गया, तो 1/डेल्टा बाहर चला गया, हमारे पास बचा क्या, डी माइनस बी माइनस सी और ए, ठीक है। और यही इसका इनवर्स, यही इसका इनवर्स है, तो इसका इनवर्स कुछ ऐसे निकलता है। और ये एप्लीकेबल किसके लिए है, ओनली फॉर, ये जो हमने निकाला है ओनली ओनली फॉर 2x2 मैट्रिक्स, किसके लिए होगा, 2x2 मैट्रिक्स को, इसको 3x3 में हमने नहीं लिखाना है,
एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, क्लियर है, एग्जाम्स में काम आएगा, ये बहुत जगह काम आता है। देखो क्या, देखो ये सिविल इंजीनियरिंग में भी काम आता है। स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हो तो स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल है, तो ठीक है वहां पे इनवर्स निकालना होता है तो इससे हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए जब हम टू पोर्ट एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन एनालिसिस करते हैं, तो वहां पे हम इनवर्स निकालते हैं, ठीक है। तो वो चीजें हम इस शॉर्टकट को हम वहां पे यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर हो गए, तो इन सब चीजों को हम यूज करके निकाल सकते हैं। इम्पीडेंस हो गया, एडमिटेंस हो गया, ये सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो इसी शॉर्टकट से करेंगे हम, ठीक है। कई बार गेट में भी कुछ दिया जाता है, ठीक है, तो शॉर्टकट से कैसे करेंगे ये लिख लेते हैं। मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 2 4 6 8, ठीक है, क्लियर है। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सर सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको मैंने शॉर्टकट अप्लाई करने को बोला है, तो सर शॉर्टकट कैसे अप्लाई करें? शॉर्टकट देखना, तो सर मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या होगा, जो ए गिवन है उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। अब यहां से उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसको डेल्टा मैंने लिया था तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 4 6 8, तो कितना आ गया, 16 - 24 कितना आ गया, -8, डेल्टा इसका -8 आया। अब क्या कहेंगे, 1 by delta 1 by -8 बाहर लिख दिया। अब क्या होगा सर, इसके डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करो, कर दिया। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या लगा दो, -9, क्लियर है। तो आपका क्या आ जाएगा ये, और अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है इसको, तो ये 1 by -8 अंदर लेके जाओ तो ये -1 हो गया, और ये क्या हो गया 1 by 2, ये क्या हो गया 3 by 2, और ये क्या हो गया -1 by 4, ठीक है। तो हमारा इनवर्स क्या है, ये आया, तो हमारा क्या इनवर्स आया, ये कुछ आया, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब क्या है, जब ये इनवर्स आप निकालोगे, ठीक है, तो हमें एक चीज और देखनी है, ये जो एक दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, चलो वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट था जो मैंने आपको बताया, इसको आपको ध्यान में रखना है और आपको यूज भी करना है इसको, ठीक है। अगला शॉर्टकट नेक्स्ट लेक्चर, ओके, थैंक यू।